नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 52वें लीग मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर हैदराबाद आमने सामने थी। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी थमाई थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर हैदराबाद ने जेसन रॉय के 44 रनों के दम पर 7 विकेट खोकर 141 रन 20 ओवर में बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी शुरुआत बेहद खराब रही थी और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली का विकेट गिर गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डैरिन क्रिश्चियन पर टीम को संभालने और लक्ष्य की ओर ले जाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस दौरान सिद्धार्थ कौल ने शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया और डैरिन क्रिश्चियन 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, पारी का 4वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ कौल ने हैरान कर देने वाला ओवर फेंका और इस ओवर में 1 भी रन दिए बिना दूसरी गेंद पर डैनियल क्रिश्चियन को एक शानदार स्लोअर गेंद पर कैच आउट कराकर वापस पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, सिद्धार्थ कौल ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक स्लोअर वन फेंकी थी। डैनियल क्रिश्चियन गेंद को भापने में चूक कर गए और गेंद को कवर के ऊपर खेलने की कोशिश में मिडऑन पर एक आसान सा कैच कप्तान केन विलियमसन को थमा बैठे। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहला झटका 6 रन के स्कोर पर, वहीं दूसरा झटका 18 रन के स्कोर पर पारी के 4थे ओवर में लग गया था। आपको बता दें, इस पूरे ओवर में सिद्धार्थ कौल ने 1 भी रन नहीं दिया और इसके बाद जो वो दूसरा ओवर लेकर आए उसकी भी लगातार 2 गेंदें उन्होंने डॉट फेंकी थी। इस तरीके से इस मैच के दौरान उन्होंने लगातार 8 गेंदें डॉट फेंक कर अनोखा कारनामा कर दिखाया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।